subscribe to ADA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So in today's show we are going to discuss about some important questions which are related to the previous some days. Okay, so काफी important questions के बारे में आज के session में हम यहाँ बात करने वाले हैं. यहाँ पर आप जितने भी लोग online आ चुके हैं यहाँ पर आप session को like कर सकते हैं, फिर हम अपने session को शुरू करेंगे. So good morning to all of you and I just hope कि आपने जो हमारा कल 4 PM पर एक show हुआ था banking awareness का, वो भी देखा होगा जिसमें हमने एक चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था. तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू जिसका आपको आंसर करना है. विच कंट्री हैज लॉन्च द न्यू न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर टू ओपन अप द आर्कटिक. ये आइस ब्रेकर है, ये किसने लॉन्च किया है ये आपसे पूछा जा रहा है. इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ शिप. तो ये वाला जो है किसने यहाँ पर लॉन्च किया है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है ए बी सी डी ऑप्शन में से. देखो आपको पता हो ये वाली कंट्री वही है जिसने एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया था. यानी फर्स्ट कंट्री जिसने एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया था वो कंट्री कौन सी थी. इट वॉज रशिया एंड द करेक्ट आंसर हियर इज अगेन रशिया. दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. तो आपको यहाँ पर क्या याद रख लेना है, रशिया याद रख लेना है. नाउ यू हैव टू कमेंट हियर हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. रशिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन है, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. यहाँ पर आपको पता हो कि रशिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को है एंड द करेंसी इज रूबल. रशिया मॉस्को रूबल आपको यहाँ पर याद रख लेना है. यहाँ पर जो शिप है जो आइस ब्रेकर शिप है उसका क्या नाम है, उरल नाम है या फिर आप उसको उराल बोल सकते हैं. तो शिप का नाम भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है. आपसे अगर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं दिमित्री जो है प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं. यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन. ओके, काफ़ी फेमस नाम है, न्यूज़ में रहते हैं ये. तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as a commander of United Nations mission in South Sudan, जिसको बोला जाता है UNMISS, इसको शॉर्ट फॉर्म में UNMISS बोला जाता है. तो इसके कमांडर इंडिया की तरफ से बने हैं, उनका क्या नाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. तो आपको यहाँ पर आंसर कमेंट करना है. यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ साउथ सूडान. साउथ सूडान की कैपिटल और करेंसी क्या है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर. तो इनका नाम आपको यहाँ पर याद रख लेना है. यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा साउथ सूडान तो उसकी कैपिटल डिफरेंट है, और अगर आपसे केवल सूडान पूछा जाता है सो दोनों की जो कैपिटल और करेंसी है वो यहाँ पर अलग हैं. अगर आपसे साउथ सूडान पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, जूबा बताना है एंड द करेंसी इज पाउंड. बट इन केस ऑफ सूडान इट इज़ खारतूम एंड द करेंसी इज अगेन व्हाट, पाउंड. तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेने, दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है बिम्स्टेक लीडर्स को फॉर स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 30th May. विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इन कंट्री में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है, वो उसका मेंबर नहीं है. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ जापान. जापान एज वेल एज चाइना वो दोनों ही क्या नहीं है, बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है. तो अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, जो जो कंट्रीज यहाँ पर बिम्स्टेक का पार्ट है उनका आप नाम यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं. देखो यहाँ पर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ऑलरेडी आपको यहाँ पर 3 कंट्रीज जो हैं वो दिख रही हैं, वो क्या पार्ट हैं, बिम्स्टेक का पार्ट है. बिम्स्टेक का सेक्रेटरी कहां पर है, ढाका बांग्लादेश में है, ये आपको याद रख लेना है. ढाका बांग्लादेश का नाम आपको बिम्स्टेक से याद रखना है. यहां पर जो कंट्री इसके मेंबर हैं वो कौन से हैं, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार भी है. ओके, और कौन सी कंट्री है यहां पर, थाईलैंड भी आपको याद रख लेना है. अब की बार इन्होंने इनवाइट किया है, कौन सी कंट्री को इनवाइट किया है, किर्गिस्तान को इनवाइट किया है. तो किर्गिस्तान को इनवाइट किया है किसमें, बिम्स्टेक
कंट्रीज में। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि अभी यहाँ पर किर्गिस्तान में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको पता हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज SCO मीटिंग जो है वो कहाँ पर चल रही है, किर्गिस्तान में चल रही है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो एक कंपनी है उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ के CTO किसको बनाया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर दैट इज सुरेश कुमार। तो सुरेश कुमार का नाम यहाँ पर आप याद रख लेंगे, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड है। देखो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पर आपसे पूछा गया है विच फिल्म वन द पाल्मे डी ओरे अवार्ड इन 72nd एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल जो कहाँ पर हो रहा था, फ्रांस में हो रहा था। तो ये पाल्मे डी ओरे अवार्ड जो है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं और डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे इन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछे जाएंगे। सो ये अगर आपसे अवार्ड पूछा जाएगा, सो इट इज़ अ साउथ कोरियन मूवी और उसका क्या नाम है, पैरासाइट नाम है, तो आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है पैरासाइट कहाँ की मूवी है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, पैरासाइट जो मूवी है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है, साउथ कोरिया से यहाँ पर रिलेटेड है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखो एक अवार्ड था, एक अवार्ड का नाम क्या था, नेस्प्रेसो, ये हमारी इंडियन एक शॉर्ट फिल्म है जिसको दिया गया है, उस फिल्म का क्या नाम है, नेस्प्रेसो अवार्ड जो है वो दिया गया था सीड मदर को, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए हु वॉज़ द डायरेक्टर ऑफ व्हाट पैरासाइट, पैरासाइट मूवी के डायरेक्टर कौन थे, तो आप यहाँ पर क्या बता देंगे, बोंग जून जो हैं वो डायरेक्टर हैं, ये एक साउथ कोरियन नेम है, वो डायरेक्टर किसके हैं, पैरासाइट के डायरेक्टर हैं। सो आपको एक यहाँ पर जो वेन्यू है कांस फिल्म फेस्टिवल का फ्रांस, वो याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ मलावी, मलावी के प्रेजिडेंट के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। देखो सिरिल रामाफोसा ऑप्शन नंबर सी जो है वो कहाँ के प्रेजिडेंट है, आंसर नहीं दिखाना था, सिरिल रामाफोसा जो हैं वो कहाँ के प्रेसिडेंट है, वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, बट द मलावी प्रेसिडेंट इज़ पीटर मुथारिका। ओके सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ मलावी, मलावी की कैपिटल एंड करेंसी क्या है। मलावी काफ़ी बार न्यूज़ में चलता रहता है और इसकी कैपिटल थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज़ लिलोंगवे एंड द करेंसी इज़ क्वाचा। तो मलावी लिलोंगवे क्वाचा आपको यहाँ पर याद रख लेना है, प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, पीटर वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट टू बूस्ट द मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, जो हमारे प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है, ऐसे प्लांट का कल्टीवेशन किया जाए जो मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं। सो ऐसा करने वाला नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज़ मेघालय, मेघालय आपको यहाँ पर याद रख लेना है। अब यहाँ पर आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर गवर्नर चेंज हो रहे हैं, तो आपको याद रख लेना है कांग्रेट संगमा जो हैं वो क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, गवर्नर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है तथागत रॉय। ओके सो ये आपको याद रख लें, कांग्रेट संगमा जो है चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर कौन है, तथागत रॉय हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वहाँ से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क के नाम, जैसे नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ का नेशनल पार्क है, मेघालय का नेशनल पार्क है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और नेशनल पार्क बता है तो भी आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर देखो आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मिशन, उस मिशन का क्या नाम था, तो आप क्या यहाँ बता देंगे, अरोमा मिशन। ओके सो इट वॉज नेम्ड एज द अरोमा मिशन, जो मेडिसिनल प्लांट कल्टिवेशन से रिलेटेड था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट विल सेट अप कंट्रीज फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट, कंट्री का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से स्टेट में बनने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। देखिए यहाँ पर जो वो ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ हैदराबाद।
और हैदराबाद से जो आपको यहाँ पर याद रख लेना है वो क्या, तेलंगाना याद रखना है। सो हैदराबाद से रिलेटेड जो आपको याद रखना था तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी। देखो ये जो ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट है इसका एम क्या है, इनोवेशन करना, रिसर्च करना, दीज आर सम ऑफ द एम्स ऑफ इट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। ओके, सो ये आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स, व्हाट इज़ इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन फॉर द फिस्कल ईयर 2019 के लिए इंडिया रेटिंग रिसर्च जो है उसने कितना एस्टिमेशन किया है हमारे जीडीपी का। सो यहाँ पर काफ़ी कम एस्टिमेशन किया गया है, दैट इज 6.9%। तो 6.9% काफ़ी कम एस्टिमेशन है यहाँ पर, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। वी विल ट्राई कि यहाँ पर जितने भी जीडीपी एस्टिमेशन किए गए हैं उनके ऊपर हम पूरे एक सेशन रखें जिसमें हम जनवरी से लेकर अभी तक के जो भी जीडीपी एस्टिमेशन है उनको कवर करें। सो आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। विच टाउन ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन एडेड टू द टेंटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको पता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काफ़ी कंट्रीज, काफ़ी लोकेशंस जो होती हैं उनको ऐड किया जाता है। सो यहाँ पर जो एक लोकेशन है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो वो उस टाउन का क्या नाम है यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन में से। देखो मध्य प्रदेश जो है आपको पता हो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमलनाथ हैं, एंड द गवर्नर इज़ आनंदीबेन पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर एक स्कीम आई थी वो थी युवा स्वाभिमान योजना। आपसे पूछा जा सकता है युवा स्वाभिमान योजना जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो भी आप क्या बता देंगे, मध्य प्रदेश बता देंगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो सेशन के ख़त्म हो जाने के बाद आप बताएंगी। आज कम क्वेश्चंस है क्योंकि कम न्यूज़ अवेलेबल थी, तो टोटल 10 क्वेश्चंस आज के सेशन में हमने कवर किए हैं। आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं आप मुझे बता सकते हैं, एज वेल एज आप मुझे नेक्स्ट जो हमारा 4 PM पर क्लास होने वाला है कल, उसके लिए आप जो टॉपिक चाहते हैं, आप चाहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस कवर करें या फिर हम पीछे से करंट अफेयर कवर करना शुरू करें, तो आप अपने सजेशंस यहाँ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। Subscribe to Adda 247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.